मित्र को पत्र। परिचयात्मक प्रश्न, आपको खिले हुए फूल अच्छे लगते हैं या मुरझाए हुए? आपको हंसते खिलखिलाते लोग अच्छे लगते हैं या उदास और दुखी? प्रतिबिंब, पाठ के माध्यम से बालकों को जीवन में हास्य विनोद के महत्व से परिचित करवाना। परिकल्पना, क्या आपको पता है कि जीवन में हास्य विनोद का क्या महत्व है? जीवन में हास्य विनोद के महत्व पर जयदेव का अपने मित्र को पत्र। जानकी कुटीर, सिविल लाइंस, दक्षिणी, लखनऊ, दिनांक 25 मार्च 2014। प्रिय देवेश, सुप्रेम नमस्कार। यहाँ सब कुशलता से है और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी सपरिवार सकुशल और सआनंद होगे। मुझे आज दोपहर तुम्हारा पत्र मिला, जिसे पढ़कर मुझे प्रतीत हुआ कि तुम जीवन में हास्य विनोद की आवश्यकता व महत्व पर रोचक सामग्री जुटाने में प्रयत्नशील हो। ये बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार के प्रयत्न से न केवल जानकारी बढ़ती है, अपितु विषय का महत्व हमारे जीवन में रचनात्मक परिवर्तन भी लाता है। इस विषय पर मैं जो कुछ भी समझ सका हूँ, उसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत पत्र के माध्यम से प्रस्तुत है। प्रिय देवेश, एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि सुप्रसिद्ध जापानी कवि नागुची ने भगवान से वरदान मांगा था। जब जीवन के किनारे की हरियाली सूख गई हो, चिड़ियों की चहक मूक हो गई हो, सूर्य को ग्रहण लग गया हो, मेरे मित्र एवं साथी मुझे कांटों में अकेला छोड़कर कतरा गए हो, और आकाश का सारा क्रोध मेरे भाग्य पर बरसने वाला हो, तब हे भगवान, तुम मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरे होठों पर हंसी की एक उजली लकीर खिंच जाए। इस कथन में हास्य विनोद की आवश्यकता और महत्व बसा हुआ है। हास्य विनोद जीवन के संकटों को भुलाने की दवा है, ये आगे बढ़ने की प्रेरणा है और स्वास्थ्य की कुंजी है। हास्य अर्थात हंसी लाख दुखों की एक औषधि है तथा स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है। इससे जीवन को न केवल भरपूर ऊर्जा मिलती है, अपितु शरीर भी ऊर्जावान हो थकावट रूपी बोझिल वस्त्रों को उतार कर एक ओर रख देता है। हास्य से हमारी थकी तनी हुई शिराओं को राहत मिलती है। गांधी जी ने कहा था, यदि मुझ में विनोद का भाव न होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। वह मनुष्य बहुत भाग्यशाली होता है जिसे विधाता से हास्य विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला हो। प्रिय देवेश, जिस व्यक्ति के चेहरे से व्यवहार से हास्य विनोद दूर रहता है, उसके चेहरे पर 12 बजे हुए दिखाई देते हैं। हास्य विनोद की अनुपस्थिति में व्यक्ति मुरझाए फूल सा दिखाई देता है। जो व्यक्ति हंसता प्रफुल्लित रहता है, वह मित्र बनाने के योग्य है, किंतु जो हंसता नहीं, वह स्वयं तो दुखी रहता ही है, औरों को भी दुखी देखना चाहता है। जीवन की सफलता के अनेक रहस्यों में से एक रहस्य हसमुख स्वभाव का होना भी है। जीवन में वही लोग सफल माने जाते हैं जिन्होंने संकटों का सामना हंसते हंसते किया हो। हसमुख स्वभाव के लोग जीवन को सफलता पूर्वक तथा उद्देश्य पूर्वक जी पाते हैं, ऐसा माना जाता है। प्रिय देवेश, पाश्चात्य देशों में बिना मुस्कुराहट के अभिवादन अशिष्टता की निशानी मानी जाती है। हसमुख व्यक्ति को देखकर लगता है कि इस व्यक्ति के जीवन में कोई उलझन या गांठ नहीं है। एक हसमुख डॉक्टर को देखकर रोगी की बीमारी चुपचाप अपना रास्ता पकड़ लेती है। एक सहज प्रसन्न शिक्षक की कक्षा न केवल तनाव मुक्त रहती है, अपितु छात्र ऐसे वातावरण में अधिक सीख पाते हैं। ऐसा कौन होगा जो हसमुख व्यक्ति का सामीप्य न चाहेगा? वास्तव में तनाव युक्त बोझिल वातावरण में हसमुख व्यक्ति की हास्य रूपी बहादुरी प्रशंसा योग्य है। हंसी के एक झोंके से मन का मैल धुल जाता है। हास्य के विषय में कहा गया है, बुराई रूपी पापों से बचने के लिए इससे बढ़कर कोई गंगाजल नहीं है। यह वो शास्त्र है जो बड़ों बड़ों का मिजाज चुटकियों में ठीक कर देता है।
महान साहित्यकारों ने अपने गंभीर साहित्य में हास्य विनोद का पुट देकर उसे सहज व प्रभावशाली बना दिया है। हास्य विनोद प्रिय व्यक्ति हरदम ताजा खिला खिला दिखाई देता है। वह न केवल शरीर से अपितु मन से भी स्वस्थ दिखाई देता है। संसार के प्रायः सभी सफल व्यक्ति बहुत विनोद प्रिय रहे हैं। अपने जीवन के तनाव को उन्होंने हास्य विनोद से ही कम किया। रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि के व्यस्त जीवन का हास्य की जड़ी बूटियों ने ही ताजगी प्रदान की। प्रिय देवेश, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हालांकि जीवन में हास्य विनोद की बहुत आवश्यकता है, परंतु ये सब सीमा के बाहर नहीं होना चाहिए। हमारा हास्य विनोद किसी पर प्रत्यक्ष कटाक्ष या व्यंग के रूप में नहीं होना चाहिए। यह केवल मनोविनोद के लिए होना चाहिए, न कि किसी को घायल करने के लिए तलवार के रूप में। एक अंग्रेज लेखक हेजलेट ने कहा है, विनोद बातचीत का नमक है, भोजन नहीं। और मैं समझता हूँ कि जीवन में स्वाद भरने हेतु ऐसे नमक की बार बार आवश्यकता पड़ती है, बशर्ते कि वह संतुलित मात्रा में हो। प्रिय देवेश, आशा है तुम्हें हास्य विनोद पर मेरे विचार पसंद आएंगे। शेष मिलने पर, तुम्हारा अभिन्न मित्र जयदेव शर्मा, 235 सिविल लाइंस, उत्तरी।